तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को एक नया वीडियो में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 100 शॉर्ट सेंटेंसेस जिसे यूज करके आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला वाक्य है बस अभी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट नाउ। क्या बोलेंगे? जस्ट नाउ। दूसरा वाक्य है अब तक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टिल नाउ। क्या बोलेंगे? टिल नाउ। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है और नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो मोर। क्या बोलेंगे? नो मोर। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है यहाँ पर, ओवर हेयर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ओवर हेयर। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है वहाँ पर, तो क्या बोलेंगे? ओवर देयर। क्या बोलेंगे? ओवर देयर। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है यहाँ नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉट हेयर। क्या बोलेंगे? नॉट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है वहाँ नहीं, तो क्या बोलेंगे? नॉट देयर। क्या बोलेंगे? नॉट देयर। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है इतनी जल्दी, इतनी जल्दी को बोलेंगे सो अर्ली। क्या बोलेंगे? सो अर्ली। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है जो कुछ भी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वाट एवर। क्या बोलेंगे? वाट एवर। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है जहाँ कहीं भी, उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है जहाँ कहीं भी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेयर एवर। क्या बोलेंगे? वेयर एवर। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है जब कभी भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? व्हेन एवर। क्या बोलेंगे? व्हेन एवर। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है हमेशा की तरह, इसको बोलेंगे इंग्लिश में एज ऑलवेज। क्या बोलेंगे? एज ऑलवेज। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है हम सभी, हम सभी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ अस। क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ अस। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नो नीड। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है मेरा विश्वास करो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रस्ट मी। क्या बोलेंगे? ट्रस्ट मी। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है कोशिश करते रहो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कीप ट्राइंग। क्या बोलेंगे? कीप ट्राइंग। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है कुछ खास नहीं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल। क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है अंदर ही रहना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टे इनसाइड। क्या बोलेंगे? स्टे इनसाइड। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है समझ गया, समझ गया तो गॉट इट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो गॉट इट बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है सच में, तो इसको क्या बोलेंगे? रियली। रियली। क्या बोलेंगे? रियली। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है अभी नहीं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट नाउ। क्या बोलेंगे? नॉट नाउ। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है और कुछ नहीं, इसको क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। उसके बाद नेक्स्ट है जल्दी करो, जल्दी करो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हरी अप। क्या बोलेंगे? हरी अप। उसके बाद नेक्स्ट है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ को क्या बोलेंगे? कम डाउन। क्या बोलेंगे? कम डाउन। उसके बाद नेक्स्ट है बाहर जाओ, बाहर जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो आउटसाइड। क्या बोलेंगे? गो आउटसाइड। उसके बाद नेक्स्ट है उठ जाओ, गेट अप। क्या बोलेंगे? गेट अप। उठ जाओ तो गेट अप। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रश करो, तो ब्रश योर टीथ। क्या बोलेंगे? ब्रश योर टीथ। उसके बाद नेक्स्ट है अपना मुंह धो, तो इसको क्या बोलेंगे? वॉश योर फेस। क्या बोलेंगे? वॉश योर फेस। उसके बाद नेक्स्ट है नहा लो, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टेक बाथ। क्या बोलेंगे? टेक बाथ। उसके बाद नेक्स्ट है तैयार हो जाओ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेट रेडी। क्या बोलेंगे? गेट रेडी। उसके बाद नेक्स्ट है नाश्ता कर लो, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हैव ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इसे साफ करो, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लीन इट। क्या बोलेंगे? क्लीन इट। अगर किसी को बोलना है कि इसे साफ करो, तो क्या बोलेंगे? क्लीन इट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्लीन इट। उसके बाद नेक्स्ट है स्कूल जाओ, तो इसको क्या बोलेंगे? गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गो टू स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट है इधर देखो, लुक एट हेयर। क्या बोलेंगे? लुक एट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट है कपड़े पहनो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर योर क्लोथ। क्या बोलेंगे? वर योर क्लोथ। उसके बाद नेक्स्ट है खुश रहो, खुश रहो क्या बोलेंगे? बी हैप्पी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बी हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट है हिलो मत, हिलो मत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट मूव। क्या बोलेंगे? डोंट मूव। उसके बाद नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है और कुछ, और कुछ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स। क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स। उसके बाद नेक्स्ट है क्या हुआ, पूछते नहीं क्या हुआ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड। उसके बाद नेक्स्ट है दोबारा कोशिश करो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राई अगेन। क्या बोलेंगे? ट्राई अगेन। उसके बाद नेक्स्ट है इतना, इतना को क्या बोलेंगे? दिस मच। क्या बोलेंगे? दिस मच।
उसके बाद क्या है उतना, उतना को क्या बोलेंगे डैट मच, क्या बोलेंगे डैट मच। उसके बाद नेक्स्ट है कितना, कितना को क्या बोलेंगे हाउ मच, क्या बोलेंगे हाउ मच। उसके बाद नेक्स्ट है जितना, जितना को क्या बोलेंगे इंग्लिश में एज मच, क्या बोलेंगे इंग्लिश में एज मच, जितना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे एज मच। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत कम, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वेरी लिटिल, क्या बोलेंगे वेरी लिटिल। उसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा कम, क्या है उसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा कम, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बिट लेस, क्या बोलेंगे बिट लेस। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे टू मच, क्या बोलेंगे टू मच, बहुत ज़्यादा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में टू मच। उसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा ज़्यादा ए लिटिल मोर, क्या क्या बोलेंगे इंग्लिश में ए लिटिल मोर, थोड़ा ज़्यादा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे ए लिटिल मोर। उसके बाद नेक्स्ट है इसे पकड़ो, इसे पकड़ो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे होल्ड इट, क्या बोलेंगे होल्ड इट। उसके बाद नेक्स्ट है वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, हु इज़ देयर। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, क्या बोलेंगे तुम्हारा मतलब क्या है, पूछते नहीं तुम्हारा मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। उसके बाद नेक्स्ट है तुम बताओ, तुम बताओ, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में टेल मी, क्या बोलेंगे टेल मी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई थिंक, क्या बोलेंगे आई थिंक। उसके बाद नेक्स्ट है मैं जानता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई नो, क्या बोलेंगे आई नो। उसके बाद नेक्स्ट है मैं सहमत हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई एग्री, क्या बोलेंगे आई एग्री। मैं सहमत हूँ तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई एग्री। उसके बाद नेक्स्ट है मैंने सुना, तो आई हेयर, क्या बोलेंगे आई हेयर, मैंने सुना आई हेयर। उसके बाद नेक्स्ट है मैंने पूछा, मैंने पूछा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई आस्क्ड, क्या बोलेंगे आई आस्क्ड। उसके बाद नेक्स्ट है मैं तैयार हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई एम रेडी, क्या क्या बोलेंगे आई एम रेडी। उसके बाद नेक्स्ट है मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई एम एलोन, क्या बोलेंगे आई एम एलोन। उसके बाद नेक्स्ट है मैं खुश हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई एम हैप्पी, क्या बोलेंगे आई एम हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट है मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे लिव मी, क्या बोलेंगे लिव मी। उसके बाद नेक्स्ट है ठीक से कहो, ठीक से कहो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्पीक क्लियरली, क्या बोलेंगे स्पीक क्लियरली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, हमारा क्या बोलते नहीं हमारा क्या, तो उसके में इंग्लिश में क्या बोलेंगे व्हाट अबाउट अस, क्या बोलेंगे व्हाट अबाउट अस। उसके बाद नेक्स्ट है उसे छोड़ो, उसे छोड़ो को क्या बोलेंगे इंग्लिश में लिव हिम, क्या बोलेंगे लिव हिम। उसके बाद नेक्स्ट है समय पर आना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कम ऑन टाइम, क्या क्या बोलेंगे कम ऑन टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है ऊपर फेंको, ऊपर फेंको को थ्रो अप, क्या बोलेंगे थ्रो अप। नेक्स्ट है सब खत्म हो गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट्स ऑल ओवर, क्या बोलेंगे इट्स ऑल ओवर। सब खत्म हो गया कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट्स ऑल ओवर। उसके बाद नेक्स्ट है शर्माओ मत, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी शाय, क्या बोलेंगे डोंट बी शाय। उसके बाद नेक्स्ट है यह बहुत महंगा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली। उसके बाद नेक्स्ट है अच्छा विचार है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे गुड आइडिया, क्या बोलेंगे गुड आइडिया। उसके बाद नेक्स्ट है यह अच्छा है, यह अच्छा है कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट्स गुड, क्या बोलेंगे इट्स गुड या इट इज़ गुड, इट्स गुड या इट इज़ गुड। उसके बाद नेक्स्ट है मैं समझता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट है मैं मजबूर हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई एम हेल्पलेस, क्या बोलेंगे आई एम हेल्पलेस। उसके बाद नेक्स्ट है मैं विद्यार्थी हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है क्या तुम्हें याद है, पूछते नहीं क्या तुम्हें याद है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे डू यू रिमेंबर, क्या बोलेंगे डू यू रिमेंबर। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें वक्त लगेगा, क्या क्या है इसमें वक्त लगेगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट विल टेक टाइम, क्या क्या बोलेंगे इंग्लिश में इट विल टेक टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है क्या तुम जानते हो, पूछते नहीं है क्या तुम जानते हो, डू यू नो, डू यू नो। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बिल्कुल नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे नॉट एट ऑल। उसके बाद नेक्स्ट है तुम दोनों, तुम दोनों को क्या बोलेंगे इंग्लिश में बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, क्या बोलेंगे बोथ ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट है कई बार, कई बार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेनी टाइम्स, क्या बोलेंगे मेनी टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट है अगली बार, अगली बार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे नेक्स्ट टाइम, क्या बोलेंगे नेक्स्ट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है दोबारा नहीं, दोबारा नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे नॉट अगेन, क्या बोलेंगे नॉट अगेन। उसके बाद नेक्स्ट है
चुप रहो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शट अप, क्या बोलेंगे, शट अप। उसके बाद नेक्स्ट है हे भगवान, तो ओ गॉड क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, ओ गॉड। उसके बाद नेक्स्ट है कोई और, कोई और को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनी बॉडी एल्स, क्या बोलेंगे, एनी बॉडी एल्स। उसके बाद नेक्स्ट है तुम जा सकते हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू कैन गो, क्या बोलेंगे, यू कैन गो, तुम जा सकते हो तो यू कैन गो। उसके बाद नेक्स्ट है तुम कहाँ थे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। उसके बाद नेक्स्ट है भगवान की कसम, गॉड प्रोमिस, क्या बोले, भगवान की कसम को तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गॉड प्रोमिस, क्या बोलेंगे, गॉड प्रोमिस। उसके बाद नेक्स्ट है वापस आओ, वापस आओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम बैक, क्या बोलेंगे, कम बैक। उसके बाद नेक्स्ट है कौन जाने, कौन जाने, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु नो, हु नो, हु नो। उसके बाद नेक्स्ट है किसे परवाह है, हु केयर्स, हु केयर्स, किसे परवाह है, तो हु केयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आप कैसे हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। उसके बाद नेक्स्ट है आप कौन हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु आर यू, क्या बोलेंगे, हु आर यू। उसके बाद नेक्स्ट है आप कहाँ से हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। उसके बाद नेक्स्ट है आप यहाँ क्यों आए हो, आए हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर, वाई हैव यू कम हेयर, वाई हैव यू कम हेयर। उसके बाद नेक्स्ट है आप मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या है, आप मुझे क्यों घूर रहे हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। उसके बाद नेक्स्ट है आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू नो मी। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट है आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसका नेक्स्ट 100 यानी 100 से 200 के देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।